हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो घटना है जो एडमिन के दादाजी ने एडमिन को बताई थी जब वो अपने पापा के साथ उनसे मिलने गया था। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना एडमिन के दादाजी ने उसको तब बताई थी जब एडमिन के दादाजी की उम्र करीब 22 या 23 साल की थी। ये घटना उनके दोस्त रिचर्ड के साथ घटी थी। शायद 40 से 45 साल पुरानी घटना है ये। अब आगे की घटना मैं आपको एडमिन के दादाजी के दोस्त रिचर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रिचर्ड है और मेरे साथ ये अजीब सी घटना तब घटी थी जब मेरी उम्र करीब 25 साल की थी। ये घटना 1990 से भी पहले की है। तब मैं छोटी मोटी नौकरी करता था। मेरे पिताजी का एक छोटा सा बिजनेस था। वो बड़े व्यापारियों से कुछ सस्ते दाम पर तेल लेते थे और गांव में और आसपास के गांव में बेच दिया करते थे। वो मुझे अक्सर अपना बिजनेस ज्वाइन करने के लिए बोला करते थे, लेकिन मुझे उनके काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उस वक्त पास में ही एक नई फैक्ट्री बन रही थी जहां के लिए कुछ सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत थी। वो काम रात का था। उन फैक्ट्री वालों को करीब 2 से 3 लोग चाहिए थे। मैंने कोशिश की कि शायद मुझको वो नौकरी मिल जाए, और मिल भी गई। मेरे साथ 2 और लोग भी थे जिनको वो नौकरी मिली थी। हमारा एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जब तक वो फैक्ट्री पूरी बन नहीं जाती है तब तक हमको वहाँ पे रात में गार्ड की नौकरी करनी है। हमको वही रात में ही फैक्ट्री की देखभाल करनी थी क्योंकि उस वक्त वहाँ पर ढेर सारी चोरियाँ भी होती थी। चोर लोग अक्सर अंदर घुसकर लकड़ियाँ और लोहा चुरा के ले जाया करते थे। सच बताऊँ तो गांव वालों को फैक्ट्री का बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि फैक्ट्री बनने के लिए बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट दिया गया था, जिसकी वजह से जंगल के जानवरों को अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ा। मुझको वहाँ पर ड्यूटी करे करीब 1 हफ्ता हो चुका था। फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए 3 रास्ते थे और हर रास्ते पर एक गार्ड हमेशा रात में तैनात रहता था। हम तीनों गार्ड एक एक करके अपनी ड्यूटी कर रहे थे। हम तीनों के पास टॉर्च थी। फैक्ट्री के अंदर घुसने के लिए 3 गेट बने थे और हर एक गार्ड एक गेट पर तैनात था। वो तीनों गेट एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर थे, तो हम तीनों हर आधे घंटे के दरमियान अपनी टॉर्च को जलाकर एक दूसरे को सिग्नल देते थे। हर आधे घंटे में टॉर्च जला के सिग्नल देने का ये मतलब था कि सब कुछ ठीक है। जिस जंगल के एरिया में वो फैक्ट्री लगी हुई थी वो जंगल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसके कुछ हिस्से के पेड़ों को काटकर वो फैक्ट्री बनाई गई थी। फैक्ट्री के पीछे बहुत ही बड़ा जंगल था। कुछ दिनों की अच्छी ड्यूटी के बाद 11वें दिन हम रोज के जैसे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। मैं गेट नंबर 1 पे था और दूसरा गार्ड जिसका नाम जॉनसन था वो गेट नंबर 2 पे था, और गेट नंबर 3 पर खड़े हुए गार्ड का नाम थ्रेड था। डेली बेसिस पे हमारी जगह बदलती रहती थी। 15वें दिन की ड्यूटी पर मैं गेट नंबर 2 पे था और गेट नंबर 3 जो जंगल से थोड़ा पास में है वहाँ पर थ्रेड की ड्यूटी लगी हुई थी। जहाँ हम रहते थे वहाँ पर अक्सर पावर कट होना बहुत ही आम बात थी, तो लाइट अक्सर चली जाया करती थी। रात में फैक्ट्री एकदम खंडहर जैसी लगती थी क्योंकि उसमें अभी भी थोड़ा काम होना बाकी था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। दिसंबर का महीना था और कोहरा भी बहुत ज़्यादा था। मैं गेट नंबर 2 पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर रहा था और गेट नंबर 3 के गार्ड को हर आधे घंटे में टॉर्च चला के इशारा भी कर रहा था। गेट नंबर 3 पर थ्रेड खड़ा हुआ था। थ्रेड ने मुझको अपनी तरफ से लाइट जला के सिग्नल भेजा और सब कुछ ठीक चल रहा था। कोहरा ज़्यादा होने की वजह से हम तीनों एक दूसरे को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। आधे घंटे बाद यानी कि 12 बजे मैंने फिर से थ्रेड की तरफ लाइट जला के सिग्नल भेजा, लेकिन इस बार उसका कोई भी जवाब नहीं आया। उसका जवाब ना आने पर मैंने फिर से टॉर्च चलाकर सिग्नल दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझको ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी क्योंकि 8 दिन के ड्यूटी में ऐसा पहली बार हुआ है
कि थ्रेड ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। हमें टॉर्च के साथ फैक्ट्री वालों ने एक बंदूक भी दे रखी थी, जो कि उस टाइम की सबसे अच्छी बंदूक थी। उस बंदूक में एक बार में एक ही गोली लोड होती थी, फिर एक बार फायर करने के बाद करीब 10 से 15 सेकंड के बाद दूसरा फायर होता था, और उसके साथ हमको एक लोहे की सीटी भी दी गई थी, जो कि हमको तब बजानी थी जब हमारे पास कोई बहुत ही बड़ा खतरा हो। गेट नंबर 3 पर खड़े गार्ड थ्रेड का कोई जवाब ना मिलने पर मुझे दी गई उस लोहे की सीटी को मैंने बजा दिया, जिसकी आवाज़ सुन के गेट नंबर 1 पर खड़ा जॉनसन भागता हुआ मेरे पास आया। मैंने उसको बताया कि थ्रेड की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। मैंने जॉनसन से बोला कि हमको चल के देखना चाहिए। जॉनसन ने जवाब दिया कि हम साथ में तीनों गेट को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो जॉनसन ने मुझको बोला कि तुम जाके थ्रेड को देख के आओ, और जैसे ही वो मिले मुझे सिग्नल भेजो और उससे पूछो कि उसने आखिर सिग्नल क्यों नहीं दिया। उसने मुझसे ये भी बोला कि वो गेट नंबर 1 और 2 के बीच में लगातार राउंड लगाता रहेगा, ताकि वो दोनों गेट पर बराबरी से नज़र रख सके। मैंने उसकी बात मान ली और थ्रेड को ढूंढने के लिए गेट नंबर 3 की तरफ चला गया। वहाँ कोहरा बहुत ही ज़्यादा था, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपनी टॉर्च चलाते हुए थ्रेड को आवाज़ देते हुए आगे बढ़ता गया, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया। जब मैं गेट नंबर 3 के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि थ्रेड की टॉर्च वहीं पर ज़मीन पर पड़ी हुई है। उसकी टॉर्च का आगे का कांच फूटा हुआ था। वहीं पर खड़े होकर मैं उसको आवाज़ दे रहा था, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और मैं कांप रहा था। ठंड की वजह से मेरे हाथ भी एकदम जम से गए थे। वहीं से कुछ दूर मैंने देखा कि दीवार के एकदम कोने में थ्रेड की सीटी पड़ी हुई थी। मैंने उसको उठाया और देखा कि उस पर खून लगा हुआ था। खून देखते ही मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और वहीं पर खड़े होके जेसन को आवाज़ देने लगा। वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझको खड़ा होके देख रहा हो, लेकिन वहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैंने जेसन को आवाज़ दी थी, लेकिन शायद दूर होने की वजह से वो मेरे पास नहीं आया। मैं दोबारा जेसन की तरफ जाने लगा। मैं जैसे ही जेसन की तरफ जाने के लिए कदम उठाया, मुझे झाड़ियों के पीछे से थ्रेड की आवाज़ आई। उसने साफ साफ मेरा नाम बुलाया, रिचर्ड इधर आओ, रिचर्ड। वो ये चीज़ एकदम फुसफुसा के बोल रहा था, जैसे कि उसको किसी का डर हो। मैंने जैसे ही झाड़ के पास टॉर्च चलाकर देखा जहाँ से मुझे रिचर्ड की आवाज़ आ रही थी, मैं देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। वहाँ पर रिचर्ड मरा पड़ा हुआ था। उसके शरीर को जैसे किसी ने अपने बड़े नाखूनों से फाड़ दिया था, और उसका एक हाथ और एक पैर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से उसके एक हाथ और एक पैर को उसके शरीर से खींच के उखाड़ दिया हो। उसके शरीर को देख के ठंड में भी मेरे माथे से पसीना टपक रहा था और मैं कांप रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये सब मेरा वहम है, क्योंकि अभी कुछ सेकंड पहले ही मैंने थ्रेड की आवाज़ सुनी थी। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। मैंने उसके शरीर को नीचे से ले कर ऊपर की तरफ देखा। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसकी आंखों में किसी ऐसी चीज़ को देखने का डर मैं साफ साफ देख सकता था। वो एक पेड़ की तरफ देख रहा था। थ्रेड को किसी ने इतनी बेकार तरीके से मारा था कि उसकी आंखें बंद होने से पहले ही उसके शरीर से उसकी जान निकल गई। उसकी आंखें जिस पेड़ की तरफ देख रही थी, वो भी बहुत बड़ा सा पेड़ था। थ्रेड के पास जो बंदूक थी, उसने उस बंदूक को उसी पेड़ की तरफ तान रखा था। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। मैंने उस पेड़ की तरफ देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से पेड़ की तरफ मुझको टॉर्च जला के देखना पड़ा, और जैसे ही मैंने टॉर्च को पेड़ की तरफ जलाया, उसी टॉर्च की रोशनी में मुझको एक अजीब सा जीव दिखाई दिया, और उसकी चमकती हुई पीली पीली आँखें टॉर्च की रोशनी में और भी ज़्यादा चमक रही थी। उसका मुँह एक बड़े से जानवर जैसा था, और उसके लंबे लंबे हाथ और नाखून थे। उसके हाथ ज़मीन पर घिसते हुए चल रहे थे, और उसके नाखूनों में साफ साफ लाल लाल खून लगा हुआ था,
जिसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसके एक हाथ में थ्रेड के शरीर से उखाड़ा हुआ वही पैर था जिसको उसने मुझे देखते ही ज़मीन पर फेंक दिया और मेरी तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। मेरी तरफ बढ़ते हुए देखते ही मैं तुरंत वहाँ से भागने लगा। मैं जैसे ही भागा वो जानवर बहुत ही तेज़ी से चिल्लाने लगा। मैं भागते हुए गेट नंबर 3 के पास पहुँचा और वहीं पर जाके नीचे गिर गया। वो आके मेरे सामने खड़ा हो गया और मुझको मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ने लगा। गेट नंबर 3 पर जैसे ही मैं पहुँचा वहाँ पर लाइट दोबारा आ गई थी। वो लाइट की रोशनी उस अजीब से जीव के आँखों में पड़ रही थी जिसकी वजह से कुछ देर के लिए उसने अपने आँखों को अपने हाथ से ढक लिया था और वो और भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगा और थोड़ा सा पीछे हट गया। लाइट की रोशनी में मैंने उसके शरीर को ठीक से देखा। उसका पूरा शरीर हड्डियों का था और उस शरीर से मांस के लोथड़े और खून टपक रहे थे और बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। मैं बस उसको देख के बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वहीं ज़मीन पर लेटा पड़ा एकदम जम गया था। वो मेरी तरफ दोबारा बढ़ने लगा। तभी वहाँ पर अचानक से जेसन आ गया और उसने उस जीव के ऊपर गोली चला दी, लेकिन वो गोली उस जीव के हाथों को छू के निकल गई और उसके हाथ से एक मांस का टुकड़ा वहीं पर ज़मीन पर नीचे गिर गया। वो चिल्लाते ही तुरंत जेसन की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो जेसन की तरफ मुड़ा और उसकी तरफ जाने लगा, मैंने अपनी बंदूक से उसके ऊपर गोली चला दी जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो गोली शायद उसकी कमर के पास लगी थी। गोली लगते ही वो दोबारा जंगल की तरफ भाग गया। उसके जाते ही मैं और जेसन वहाँ से तुरंत भाग गए। अगले दिन तक ये खबर हर जगह आग की तरह फैल चुकी थी। मुझको और जेसन को कुछ पुलिस वाले और उस वक्त के बड़े अधिकारी लेकर उसी जगह गए जहाँ पर मैंने थ्रेड की लाश देखी थी। वहाँ जाते ही हमने देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। थ्रेड की लाश वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसकी बंदूक वहीं पर पड़ी थी, लेकिन हमारी बात पर किसी ने कोई भी विश्वास नहीं किया। हमसे बहुत ही ज़्यादा पूछताछ भी हुई और बहुत लोगों ने यह भी अफवाह फैला दी कि मैंने और जेसन ने मिल के थ्रेड को मार दिया है। फिर कुछ महीनों बाद जेसन और मुझको हम दोनों को छोड़ दिया गया क्योंकि कुछ ऐसे हादसे हुए जिसकी वजह से पुलिस वालों ने हम पर विश्वास किया और उस अजीब से जीव के बारे में हमसे और भी ज़्यादा पूछताछ की गई। हमने उन पुलिस वालों को पूछताछ में पूरा सहयोग भी दिया। उसके बाद मैं कभी भी उस जीव से नहीं मिला और ना ही मिलना चाहता हूँ। और इस तरह मेरा सामना उस वेंडिगो से हुआ। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ जो कि एडमिन के दादाजी ने एडमिन को बताई थी। ये घटना घटी थी उसी एरिया के एक ऑफिसर के साथ। दरअसल वो एक नहीं, दो ऑफिसर थे। इस घटना के होने के बाद जेसन और रिचर्ड को छोड़ दिया गया था क्योंकि तब ऑफिसर वालों को उनकी बात का विश्वास हो गया था। उन दोनों ने जो भी स्टेटमेंट दिया था वो एकदम सच था। ये घटना घटी थी मायर के साथ। वो एक ओल्ड विलेज का पोस्टेड पुलिस ऑफिसर था। दूसरे ऑफिसर का नाम था मार्को। ये दोनों ही ऑफिसर अक्सर रात में पेट्रोलिंग किया करते थे और रात में होने वाली घटनाओं की तहकीकात भी करते थे। जैसा कि आपने पहली घटना में सुना कि एडमिन के दादाजी के एरिया में बहुत ही चोरी हुआ करती थी, मायर और मार्को उन्हीं होने वाली चोरियों की तहकीकात करते थे। अब आगे की घटना मैं आपको मायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मायर है और मैं विलेज सिटी नाम के एक कस्बे में ऑफिसर हूँ। यहाँ पर हुई हर घटना की तहकीकात मैं ही करता हूँ और मेरे साथ मेरा एक पार्टनर मार्को होता है। चोरियाँ ज़्यादा हो रही थी और कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही थी, इसलिए हम दोनों को रात में पेट्रोलिंग को बढ़ाना पड़ा। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं की वजह से लोग रात में अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि अपनी जान उनको बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। मैं और मेरे साथ का ऑफिसर मार्को, हम दोनों लोग रात में अक्सर साथ में पेट्रोलिंग करते थे। हम दोनों को कहीं से खबर मिली थी कि जो चोरों का ग्रुप रात में चोरी करता था वो अपना सारा चोरी का सामान एक वेयर हाउस में छुपा दिया करता था। वो वेयर हाउस काफ़ी पुराना था और थोड़ा जंगल की तरफ पड़ता था। वो वेयर हाउस ओल्ड माउंटेंस के नीचे था। जब हम वहाँ पर गए तो हमने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी प्रॉपर्टी थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सालों से
उसमें कोई भी नहीं गया हो और वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। बिना परमिशन के हम उसके अंदर एंट्री तक नहीं कर सकते थे। हमने रात में ही उसके अंदर जाने का प्लान बनाया। उसके अंदर से लोग आते जाते हुए दिख रहे थे और वो कोई और नहीं वही चोर थे जो रात में चोरियां करते थे। मैं और मार्को चुपचाप से वेयरहाउस के अंदर घुस गए। हमने देखा कि वहां पर 2 से 3 लोग थे जो आपस में बैठ के बात कर रहे थे। हमने तुरंत उनके ऊपर बंदूक तान दिया और उनको ज़मीन पर लेटने के लिए बोला। हमारी वर्दी देख के उनको ये तो पता चल गया था कि हम पुलिस वाले थे। हमें देख के तीनों लोग अलग अलग भागने लगे। उनमें से एक तो भाग गया और दूसरे को मार्को ने पकड़ लिया और उनमें से एक जंगल की तरफ भाग गया। मैं भी उसके पीछे पीछे उस जंगल की तरफ भाग गया। मैं काफ़ी अंदर तक चला आया था। मैं उतना अंदर तक आया था जहाँ से मुझे वेयरहाउस साफ साफ नज़र आ रहा था। मैंने उसको ढूंढने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो अचानक से गायब हो चुका था। मैंने उसको हर जगह ढूंढा लेकिन जंगल में वो तो जैसे गायब ही हो गया था। मैं चाहता तो उस जंगल के काफ़ी अंदर जा सकता था लेकिन वो जंगल कितना बड़ा था और उसके अंदर कितने जंगली जानवर थे मुझे इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। तो मैंने सोचा कि शायद अब मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। मैं वहाँ से वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ा तभी मुझे एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से उसे मार रहा हो। मैं भागते हुए उस आवाज़ के पीछे गया और मैंने वो चीज़ देखी जिसको देख के मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने देखा कि उस आदमी को एक अजीब से जीव ने गर्दन से पकड़ रखा था। उसके नाखून उस आदमी की गर्दन में आधे घुसे हुए थे और उसके गले से खून बह रहा था। वो देखने में करीब 10 से 11 फीट का था और उसके शरीर से मांस के लोथड़े टपक रहे थे। मेरी आंखों के सामने उसने उस आदमी को बड़ी ही बेदर्मी से अपने दोनों हाथों से चीर दिया। ये देख के मेरी चीख निकल गई और मेरी आवाज़ उस जीव ने सुन ली और मेरी तरफ देखने लगा। उसकी चमकती हुई आँखें मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मुझको देखते ही वो जीव गुस्से में चिल्लाने लगा और मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुझको ये नहीं पता था कि मेरा वो पीछा करेगा या नहीं। मैं वहाँ से बहुत ही जोर से भागा और कहीं भी नहीं रुका। मैं इतना डरते हुए भाग रहा था कि मैंने ये भी नहीं देखा कि वो मेरे पीछे आ रहा है या नहीं। मैं भागते हुए वेयर हाउस के पास पहुँचा और वहाँ पे मार्को पहले से ही उस आदमी को पकड़ के खड़ा हुआ था। मार्को ने मुझसे पूछा कि वो चोर जिसको तुम ढूंढने गए थे वो मिला क्या? मेरे मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकली और मेरा गला पूरा सूख चुका था। मैंने मार्को से तुरंत वहाँ से भागने के लिए बोला। उसने मुझसे पूछने की बहुत सी कोशिश की लेकिन मैं उसको बता नहीं पाया। मेरा घबराया हुआ चेहरा देख के वो भी एकदम शांत हो गया और मेरे पीछे उस चोर को पकड़ के भागने लगा। जब हम अपने पुलिस स्टेशन पर पहुँच गए तो मैंने मार्को को सब कुछ बताया जो भी मैंने देखा था। ये पूरी बात पूरे डिपार्टमेंट को पता चल गई। जब मैं उस चीफ को देख के भागा तो मेरी बंदूक वहीं पर कहीं जंगल में गिर गई थी जिसको कुछ दिनों बाद मैं दोबारा ढूंढने भी गया। उस जगह पर दोबारा वापस जाके मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था लेकिन मुझको मेरी नौकरी बचानी थी। मेरी बंदूक मुझको नहीं मिली और मेरी नौकरी मुझसे छीन ली गई। लेकिन मेरे बयान से रिचर्ड और जॉनसन की बातों को सच मान लिया गया और उनको छोड़ दिया गया जिनकी घटना आपने पहली स्टोरी में सुनी थी। तो दोस्तों ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ जो कि एडमिन के दादाजी ने एडमिन को बताई थी। ये घटना एक लड़की के साथ घटी थी। उसका नाम एला था। अब आगे की घटना मैं आपको एला के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। मेरा नाम एला है और मैं थ्योरी हॉस्पिटल में एक नर्स हूँ। मेरी हमेशा की डे शिफ्ट हुआ करती थी। ये घटना 1980 की थी। तब मेरी उम्र करीब 22 साल की थी। एक रात को बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और आंधी भी चल रही थी। कुछ लोग रात में रास्ते से जा रहे थे और आंधी की वजह से एक बड़ा सा पेड़ उनके रास्ते में गिर गया और उसके नीचे कुछ लोग दब गए। कुछ लोग काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे और कुछ लोग तो बचे ही नहीं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी भी हो गए थे।
मुझको और आसपास के डॉक्टर और नर्सों को इलाज के लिए तुरंत रात में ही बुलाया गया। वहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छी मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जब मुझको ये पता चला तो मैं पास के हॉस्पिटल के लिए रात में ही निकल गई। मुझको इस घटना के बारे में बताने के लिए वहीं पास का हॉस्पिटल का एक आदमी आया हुआ था। वो मुझे अपनी बाइक से ले जाने वाला था, लेकिन उसकी बाइक रात में ही पंचर हो गई थी, इसलिए मुझको रात में अकेले ही जाना पड़ा। उसने मुझसे बोला कि मैं गाड़ी ठीक करवा के तुरंत वहाँ पर पहुँचता हूँ। मैं रात में अकेले ही हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। उस हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए दो रास्ते थे। एक सीधा रास्ता था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, और एक रास्ता एक छोटे से जंगल के बीच से होके जाता था। उसके बीच में रोड तो अच्छी बनी हुई थी और दोनों तरफ काफ़ी बड़े बड़े जंगल और पेड़ थे। वो रास्ता ज़्यादा बड़ा नहीं था। उस रास्ते से हॉस्पिटल मात्र 15 मिनट में पहुँचा जा सकता था, लेकिन उस रास्ते में रात को कोई भी नहीं जाता था। मैं पैदल ही उस रास्ते के लिए निकल गई। बारिश रुक चुकी थी तो मैंने सोचा कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। मैं चुपचाप रोड पर चल रही थी। मुझको ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैं जैसे ही पीछे घूमी वो आवाज़ शांत हो जा रही थी। मैं बस चल रही थी तभी मुझको बहुत तेज़ ठंड लगने लगी। अचानक वहां पे मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया। इतनी जल्दी ऐसे ठंड का बढ़ जाना मुझको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन मैं इस बात को नज़रअंदाज कर दी और वापस चलने लगी। मैं चल रही थी और मेरे साथ साथ किसी और के चलने की भी आवाज़ आ रही थी। तभी मुझको एक पेड़ के पीछे से कुछ आवाज़ आई। वो आवाज़ एक छोटी सी बच्ची की थी और वो हंस रही थी। मैंने तुरंत उस आवाज़ की तरफ देखा और वहीं पर खड़ी हो गई। जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी मुझको वहाँ पर चमकती हुई दो रोशनियाँ दिखी। वो कोई और रोशनी नहीं, किसी की चमकती हुई पीली पीली आंखें थी। मैं बस वहीं पर खड़े होकर उसको देख रही थी और वो मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सम्मोहित करने वाली थी और वो शांत थी। मैं उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। वो मेरे से काफ़ी दूर थी, जंगल के काफ़ी अंदर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बस अपने पास तुरंत बुला ही लेगी। मैं वहाँ पर ना जाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन मेरे पैर बिल्कुल भी रुक नहीं रहे थे। मुझे लग रहा था कि शायद उसने मुझे सम्मोहित कर लिया है। मैं जैसी उसकी तरफ बढ़ रही थी अचानक से वो आदमी अपनी बाइक से आ गया जो मुझको हॉस्पिटल ले जाने के लिए आया था। उसको आते देख मैं जैसे होश में आ गई थी। मेरा ध्यान बस कुछ पल के लिए ही उन आँखों से भटक गया था और जैसे ही मैंने दोबारा उन झाड़ियों की तरफ देखा वो परछाई वहाँ से गायब हो चुकी थी। वहाँ पर एक लड़की की परछाई भी खड़ी थी जिसको मैं साफ साफ देख पा रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं एक बार पूछूं कि तुम कौन हो, लेकिन वो अचानक से वहाँ से गायब हो गई। जो ठंड मुझको लग रही थी वो भी धीरे धीरे कम हो गई। वो क्या चीज़ थी मुझको नहीं पता था। मैंने उस आदमी से पूछा कि आप इतनी जल्दी बाइक ठीक कराकर कैसे आ गए, तो उसने बोला कि मेरा एक दोस्त था जो अपनी बाइक से गुजर रहा था। मैंने उसकी बाइक ले ली और मैंने बोला कि मैं आपको छोड़ के दोबारा अपनी बाइक बनवाने चला जाऊंगा। रात में अक्सर इस एरिया में अजीब अजीब हादसे होते हैं, इसलिए मैंने उसकी गाड़ी ले ली ताकि मैं आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल छोड़ दूँ। जब मैं उसके साथ जा रही थी तो मैंने बहुत बार पीछे मुड़ के देखा, लेकिन मुझे कोई भी चीज़ नहीं दिखी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कोई अजीब सी चीज़ झाड़ियों में मेरे पीछे भाग रही है और मैंने उस आदमी से गाड़ी तेज़ चलाने को बोला। उसने तेज़ गाड़ी चलाई और वो चीज़ धीरे धीरे कहीं गायब हो गई। वो क्या चीज़ थी और वो कहाँ गायब हो गई मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के पीछे इसी अजीब से जीव का हाथ था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।